हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का आज 8 पार्ट करना है। तो 8 पार्ट में गिवन है माइनस वाई इक्वल टू 2x, इसका मतलब है माइनस को अगर उधर ले जाएं तो y इक्वल टू माइनस 2x। तो हम अगर पहले पुट कर लें x को 1, तो y इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 2 आ गया। इसका मतलब है हमारा पॉइंट x 1 आ गया, y माइनस 2 आ गया। फिर हम अगर पुट करें x को 2, हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, y इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा माइनस 4। तो इसका मतलब है जो हमारा अगला पॉइंट आया वो 2 और माइनस 4 आ गया। अब हम पुट कर देते हैं x को 3। सेम 7 पार्ट में भी हमने 1, 2, 3 पुट किया था, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1, 2, 3 पुट कर रहे हैं, तो अगर हम इसे यहाँ माइनस 2x की जगह पे 3 पुट करें तो ये माइनस 6, तो यहाँ से हमारा तीसरा पॉइंट बन जाएगा 3 और माइनस 6। आप इससे ज़्यादा पॉइंट भी ड्रा कर सकते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसमें ये होता है कि 3 वैल्यूज़ तक हम ड्रा कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, हमारे पास 3 पॉइंट बन गए। हम यहाँ पहले पॉइंट लिखते हैं, एक पॉइंट बना 1 और माइनस 2, और दूसरा पॉइंट बना है 2 और माइनस 4, और तीसरा पॉइंट हमारा बना है 3 और माइनस 6। अब हमने इनका ग्राफ बनाना है, तो हम एक कार्टीजियन प्लेन ड्रा कर लेंगे। ये हमने एक कार्टीजियन प्लेन ड्रा कर ली, यहाँ वाई नेगेटिव, यहाँ वाई पॉजिटिव, यहाँ एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव। तो पहला पॉइंट है 1 माइनस 2, इसका मतलब है एक्स पॉजिटिव, एक्स 1 यहाँ पे है और वाई हमने लेना है माइनस 2, तो वाई यहाँ इस लाइन पे नेगेटिव होता है, तो इस पॉइंट को कह देते हैं माइनस 1 और ये माइनस 2। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को अब ज्वाइन करें तो 1 और 2, तो हमारा ये पॉइंट बन गया। नेक्स्ट हमने पॉइंट ड्रा करना है 2 और माइनस 4, एक्स हमारा 2 है और वाई जो है वो माइनस 4 है, इसके बाद माइनस 3 आएगा और माइनस 4 आएगा। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा करें तो ये हमारा पॉइंट बन गया, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट बन गया। अगला पॉइंट हमने ड्रा करना है 3 और माइनस 6, इसका मतलब है एक्स हमारा 3 होना चाहिए और y माइनस 6 होना चाहिए, तो हम यहाँ इसके आगे ड्रा कर लेते हैं माइनस 5 और माइनस 6। तो अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें 3 और माइनस 6 को, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे हमारे अब तीनों पॉइंट्स आ गए, अगर तीनों पॉइंट्स को हम ड्रा करें, ये हमारे पॉइंट्स इस तरह हम अगर ज्वाइन करें तो यहाँ से ये हमारी ग्राफ की लाइन बन जाएगी, ये यहाँ से यूँ ड्रा होगी, ये फर्स्ट पॉइंट था 1 माइनस 2, सॉरी ये फर्स्ट पॉइंट था 1 माइनस 2, ये तो माइनस 1 है, ये फर्स्ट पॉइंट था 1 माइनस 2 वाला, और ये पॉइंट था 2 माइनस 4 और ये 3 माइनस 6। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये एक लाइन बन जाएगी, ये हमारा ग्राफ हमने ड्रा करना था। अगर आप यहाँ पॉइंट लिखना चाहें तो यहाँ पे पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट था 1 और माइनस 2, और ये पॉइंट था 2 और माइनस 4, और ये पॉइंट था 3 और माइनस 6, तो इस तरह पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 3rd 7 तक हो गया, 9, 8 भी कर लिया हमने, ये 8 पार्ट, और इसके बाद हम करेंगे इसका 9।